वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव के एक दिन पूर्व आज आयोजित यहाँ की विकास की तमाम परियोजनाओं के साथ ही एक नए सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने के उद्देश्य से मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समारोह में जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ब्रज के हमारे सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, यहां के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, यहां के लोकप्रिय सांसद और जिनका भी कुछ ही देर में फिर से आप मंचन देखेंगे, ऐसे श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा चौधरी तेजवीर सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, यहां के स्थानीय लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरण प्रकाश जी, माननीय विधायक गोवर्धन श्री मेघश्याम सिंह जी, माननीय विधायक मार्ग श्री राजेश चौधरी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी योगेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नागेंद्र शिकरवार जी, भुवन भूषण कमल जी, आज के इस भव्य आयोजन में यहां पर उपस्थित ब्रज क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आज आप सबकी कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे इस मंच पर उपस्थित जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोकल सांसद, स्थानीय माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो विकास की योजनाएं यहाँ के लिए प्राप्त हुई हैं, उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति अपनत्व का भाव दिखाते हुए तीसरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाकर के भेजा, और इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का इच्छा इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था कि मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में भागीदार बनूं, प्रभु की लीला और उनकी कृपा को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही ब्रजवासियों को उनके द्वारा यहां पर श्रीमती हेमा मालिनी जी को चुनाव जिता करके भेजने के बाद जो ऋण हम लोगों के ऊपर है उसको ऋण करने के लिए प्रयास करके कुछ विकास की परियोजनाओं के माध्यम से वहां के विकास में हम सहभागी बन सके, और उसी क्रम में मैं आज आपके पास आया हूं, आपके बीच में आया हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि जब हम
यहां की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस भूमि के प्रति लोगों के मन में अथाह आकर्षण है और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं तो विरासत यही जो आपके पास है, ये था कि कितना समृद्ध है। मैं भी सुन रहा था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों जी से, प्रतिनिधियों से, और मुझे प्रसन्नता है कि यहां के पूज्य संतों के साथ ब्रजतीर्थ विकास परिषद ने और यहां के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5,251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, यही भारत का अस्तित्व है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है, द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था, उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे और वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। कलयुग में हम इतने वर्ष आगे बढ़ चुके हैं, याद करिए उससे पहले त्रेता रहा होगा, उससे पहले सतयुग रहा होगा, एक लंबा इतिहास, एक लंबी थाती विरासत हमारे पास, जिसको हमारे पूज्य संतों ने, इनकी विरासत ने संभाल करके रखा है और आज भी अपने धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, इस विरासत के संरक्षण के लिए कथा वार्ता के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से उसके संरक्षण का काम किया गया। और उसी विरासत का हिस्सा बनने के लिए, उसके साथ विकास की पुट जोड़ने के लिए हम लोग आज यहां पर एकत्र हुए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, ब्रजतीर्थ विकास परिषद को, और खास तौर पर यहां के माननीय विधायक और यहां के माननीय सांसद दोनों को, जिन्होंने यहां पर यहां के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंचन के लिए 5 जन्य प्रेक्षागृह दिया है। कितना भव्य प्रेक्षागृह हमारे मथुरा वृंदावन को प्राप्त हो गया है, कितना भव्य मिल गया है। लगभग 1000 दर्शक एक साथ यहां पर आ जाएंगे और उसमें भी आपने देखा है यहां पे कि इसमें पहला मंचन होने जा रहा है भारत की कला जगत की। एक प्रख्यात अदाकार और आपकी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, वे मंच पर आई है। मैं उनका आभारी हूं कि वह अपनी पूरी साज सज्जा के साथ ही यहां पर मंच पर आ गए, अन्यथा वो कार्यक्रम में आती। और आप ब्रजवासी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि उनके मंचन के लिए, उनकी फिल्मों को देखने के लिए आप पहले यहां से आगरा और पता नहीं कहां कहां जाते रहे होंगे। आज वे यहां पे फ्री में मंचन के माध्यम से कला के महत्व के बारे में आपको बता रही है, उसके प्रति समर्पण का भाव, यहां के विकास के प्रति उनका समर्पण का भाव। क्योंकि मुझे याद है
जब वह पहली बार यहां से सांसद बनी, मैं भौचक था, मैं संसद में भी सांसद था। सबसे पहला मुद्दा हेमा जी ने उठाया था संसद में, उन्होंने कहा था क्या यमुना मैया को शुद्ध होने का अधिकार नहीं है? देश की संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया। विकास के लिए यहां के 84 कोसी परिक्रमा को बनना चाहिए, वह यहां ब्रज क्षेत्र के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहां के विकास के कार्यों में एक सकारात्मक योगदान, और वह लगातार आगे बढ़ा। आंतरिक साज सज्जा के लिए एक सकारात्मक योगदान, यहां के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी ने यहां की आंतरिक व्यवस्था को, यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों ने किस रूप में यह मथुरा वृंदावन नगर निगम बनना चाहिए, फिर तीर्थ क्षेत्र घोषित होने चाहिए, फिर यहां की मर्यादा और यहां की आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, आज ये धीरे धीरे मूर्त रूप लेता जा रहा है। और आज यहीं पर ही प्रख्यात भजन गायिका सुश्री पद्मिनी कोल्हापुरी के एक एल्बम को भी यहां पे शुभारंभ करने का अवसर इस पांच जन्य प्रेक्षागृह में मिला है। मैं उनको, पद्मिनी जी को भी, उनकी पूरी टीम को भी इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज 1037 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इन लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के साथ ही यहां पर हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक एक चीज आपको यहां की विरासत के साथ जुड़ करके देखने को मिल रही है, और कितना भव्य प्रेक्षागृह आपको मिल गया है। आपके कार्यक्रम यहां पे हो पाएंगे, हर प्रकार के आयोजन यहां पर हो पाएंगे। सही लक्ष्मण स्मारक भवन, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का एक मंच है। कुसुम सरोवर, इसे भी यहां पर आज पुनरुद्धार करके लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने का काम, श्री राधा रानी मंदिर में बरसाना में अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। हमें हमारे बुजुर्ग संत जो पहले पैदल ही चढ़ जाते थे, मैं आज पूज्य फुलडोल जी महाराज को देख रहा था, इस उम्र में भी मैं सचमुच उनका सम्मान करूंगा, उनको नमन करूंगा, इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा शक्ति वही जज्बा। ठीक है, शरीर का उम्र के साथ ये भौतिक काया है, वह अपना एक समय तक साथ देता है, लेकिन जज्बा है। एक समय था संत पूरी परिक्रमा करते थे, कई बार वहां जाते थे, लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा देना स्थानीय प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है। और आज पीपीपी मोड पर यह सुविधा बरसाना के लिए उपलब्ध हो चुकी है, यहां पर भी सुविधाएं होनी चाहिए। और मुझे लगता है विरासत के संरक्षण, उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उसको विकास की एक नए कलेवर के रूप में हमें प्रस्तुत करना, यह आज की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहां पे गोवर्धन की तहसील भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, वहां के माननीय विधायक जी को मैं हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। अन्य विकास से जुड़े हुए तमाम कार्य आज यहां पर हम लोग आज यहां पे आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं, और विकास की भी तमाम योजनाओं का, जिसमें गोकुल बैराज की अपस्ट्रीम में जहां पर हम सब की आस्था और मान्यता है कि वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गोकुल तक पहुंचाने का काम वहीं पे यमुना जी को पार किया था, वहीं वासुदेव वाटिका का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, और बड़ी यानी लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से उसकी एक बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पर्यटन जनसुविधा केंद्र बरसाना के लिए भी
आज यहां पे स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार से और भी अन्य विकास की योजनाओं को लेकर के आज यहां पे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जब यहां पर आए हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक ऐसे नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, इस समाज फिर से बटा, और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है, उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई। लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही है, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे, उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए,
और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारी सैनिकों ने भी बलिदान दिया था, हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मौकी खानी पड़ी थी, पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था, और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा कि देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए, और उसी विरासत के संरक्षण के दिशा ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये ब्रज क्षेत्र अपनी इस विरासत को संरक्षित करते हुए निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य शासन दोनों मिलकर के इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी सर्वोत्तम होगा वो हम करेंगे, हम लोग करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे, और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज से 7 वर्ष पहले जब यूपी की चर्चा होती थी, यूपी की चर्चा किन मुद्दों पर होती थी? यूपी की चर्चा दंगों के कारण होती थी, यूपी की चर्चा जवाहरबाग जैसी घटनाओं के कारण होती थी, यूपी की चर्चा गुंडागिर्दी और अराजकता के कारण होती थी। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा जब होती है तो वह यहां के रंगोत्सव से होती है, जन्मोत्सव से होती है, जन्माष्टमी के आयोजन से होती है। अयोध्या धाम में 500 सदी की इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला के पुनः विराजमान होने को लेकर के होती है, काशी की कायाकल्प को लेकर के होती है, वैष्णो कुंभ को लेकर के होती है, प्रयागराज कुंभ को लेकर के होती है, तीर्थ धामों के विकास के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह उस रूप में होती है, और विकास के रूप में भी आज उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज लोगों को लगता है कि हां अब उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है, उत्तर प्रदेश वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश चाहता है, और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जिस उत्तर प्रदेश को पहले विकास का बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास का बेहतरीन समन्वय के माध्यम से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके तेजी के साथ उसमें योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और ये विकास की योजनाओं का जो आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है वह इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं देखता हूं हमारा हर जनप्रतिनिधि उन चीजों को लेकर के, गोवर्धन के विधायक उसके लिए, मथुरा वृंदावन के विधायक विकास के लिए, यहां की भावनाओं का सम्मान हो, यहां की आस्था का संरक्षण करते हुए हमें विकास कराना है। बलदेव के विधायक उसके लिए, छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी वहां के विकास के साथ साथ यहां की विरासत के संरक्षण के साथ साथ अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, उनका आय को बढ़ाने की दिशा में मार्ट के विधायक के स्तर पर भी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, सबके स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाना। और संजोग से एक अच्छा दुर्लभ संजोग है विकास के अभियान को आज कला जगत की, भारत की सुविख्यात अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपने अभिनय के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर कला जगत में एक नाम कमाया, आज वह यहां के सांसद के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में यहां के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। मैं हेमा जी को तीसरी बार विजयी होने पर उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और आज यशोदा मैया
और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित उनकी इस नृत्य नाटिका के मंचन के लिए भी मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं कि आज उनके द्वारा पांचजन्य प्रेक्षागृह में वे जिस प्रकार की अपने जिस प्रकार का कार्यक्रम चाहते जिस प्रकार का प्रेक्षागृह चाहती थी, हम लोगों ने उस समय कहा था प्रस्तीर्थ विकास परिषद से भी संस्कृति विभाग से भाई देखो कला के बारे में वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकती है, आप एक बार उनसे जरूर रह लेना। और वह अपने में देख रहा हूं कलाकार के लिए समय निकालना बहुत कठिन होता है, उनकी अपनी व्यस्तता होती है, उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, पहले से शेड्यूल तय होता है। तब भी मैं देखता हूं किसी भी अन्य कलाकार की तुलना में हेमा जी मथुरा वृंदावन के लिए ज्यादा समय देती है, हर कार्यक्रम में सहभागी बनती है, पर्व और त्योहारों में यहाँ के बीच में आकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद लेती है, यहाँ के लोगों के बीच में कार्यक्रम में भागीदार बनती है और फिर विकास की योजनाओं को लेकर के वे लखनऊ भी आती है, दिल्ली भी पहुंचती है, साथ साथ बार बार फोन करके पूछती भी हैं कि हमारे यहाँ के इन विकास के कार्यों का क्या हो रहा है, ये भी पूछती है। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो भूल गए, फोन से भी बात करती हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैं पिछले 25-26 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में, पिछले 7-7.5 वर्ष से मुख्यमंत्री के रूप में, और एक कलाकार, इतना बड़ा कलाकार इतना समय क्षेत्र को दे, इतना समय विकास के कार्यों में रुचि ले, अपने जनता जनार्दन के बीच में, अपनी जनता को जनार्दन मान करके उनके बीच में अपने प्रस्तुति को वहां पर उनके साथ प्रस्तुत करने के साथ साथ आस्था के साथ साथ मनोरंजन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और ब्रिज तो यही है, जहां आस्था भी है, जहां विश्वास भी है, जहां कला भी है, संस्कृति भी है और प्रेम भी है, एक साथ इन सब का समन्वय ही ब्रिज की पहचान है। और हम लोग इसी पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव की इस पूर्व संध्या पर आयोजित इस भव्य आयोजन के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, मथुरा वृंदावन वासियों को, पूरे जनपद वासियों को इस भेंट की बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विरासत और विकास का यह क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इन पूज्य संतों के आशीर्वाद से, इन माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आप सबकी कृपा से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको हृदय से बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।